पता, आपको खुद पता है आपने इस लास्ट वीक में कितनी पढ़ाई की है। यहाँ तक कि हकम सिंह जैसे लोग भी आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकते हैं कि चलना तू जा, क्या सिखा रहा है, खुद पढ़ ले, हमें मत बता, है ना। तो बहुत सारे बोलेंगे कोई नहीं यार, कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई लोग, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आप सबको पता है UPSC की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, सबको पता चल गया होगा 9 अप्रैल को पेपर है ना। बाकी उन भाई लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा जिनका फर्स्ट बारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ दोस्त, आप उन भाई लोगों के साथ कॉम्पिटिशन में उतरने वाले हो जो 3-4 साल से पढ़ ही रहे हैं, है ना। क्या लगता है मेरे दोस्त, ऐसे में हो जाएगा आपका? नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो ये 3 महीने आप लोगों के लिए गॉड गिफ्ट हैं, ये किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं है मेरे दोस्त। और इस गिफ्ट को ऐसे ही मत जाने दो, ये 3 महीने झोंक लीजिए खुद को, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ तक कि हकम सिंह जैसे लोग भी आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकते हैं। अगर ये 3 महीने पूरी लगन से मेहनत कर लिया, जिस तरह से आपने इस एग्ज़ाम के लिए जो 22 तारीख एग्ज़ाम था, आपको खुद पता है आपने इस लास्ट वीक में कितनी पढ़ाई की है, आपको खुद पता है आपने 2-3 दिन में, क्या आप एक दिन में एक पूरी बुक ख़त्म कर सकते हो आप? नहीं। तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, आप वही बच्चे हो जिन्होंने बोर्ड इंटर में भी एग्ज़ाम के लास्ट दिन पढ़ाया है और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हो, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी तुम सबसे पीछे बैठते थे, आप वही बच्चे हो। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो मैं वही हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे भाई लोग अभी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो गाली दे रहे होंगे, बहुत सारे कमेंट भी कर देंगे कि चलना तू जा, क्या सिखा रहा है, खुद पढ़ ले, हमें मत बता, है ना। तो बहुत सारे बोलेंगे कोई नहीं यार, बोलने दो, उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दूसरे को देख के कैसे जला जाता है ना। और जलना ऐसा चाहिए कि ताकि खुद भी तुम कुछ कर सको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। जलो इसलिए कि तुम खुद कामयाब हो सको, जलना इसलिए मत मेरे दोस्त कि तुम खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे और जो दूसरा कर रहा है उससे खामखार जल रहे हो, है ना। तो वो जलना बेकार है आपका, है ना। बाकी बहुत सारे लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो उनको तहदिल से धन्यवाद, उन लोगों को तहदिल से धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, ठीक है। बाकी मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालता हूँ, देखो दोस्त मैं कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाने का, ठीक है। बहुत भारी गलत वो हो जाते हैं आंसर, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट ही यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक भाई ने कमेंट करके मुझे बताया तो बहुत अच्छा लगा कि जब आप कमेंट करके बताते हो कि भाई ये गलत हो गया, तो मैं खुद उसमें भी सुधार करता हूँ और मैं कमेंट में भी बता देता हूँ उस भाई को कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है ना। मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ, ठीक है। जो गलत हुआ है गलत हुआ है, ठीक है। तो अच्छा लगता है, बहुत सारे गलत कमेंट कर देते हैं, गाली दे देते हैं, तो क्या बोलें यार उनके लिए, ठीक है। देने को तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है तो हम उन कमेंट को पढ़े ही क्यों, है ना। चलिए बाकी कोई नहीं, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाने की, उसमें जो ऑप्शन रहते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पूरी। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। इससे क्या होता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और आपका रिविज़न भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है दोस्त। ठीक है, मिलता हूँ भाई लोगों अगली वीडियो में। जो भाई लोग पहली बारी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा। अब सेट पेपर मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लाऊंगा, ठीक है दोस्त। ये 3 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मेरे दोस्त।